और हम भी गोरक्षा के लिए हम जान देते, वोट की क्या बात है। देखो सुख जो सुख में तो सब साथ आते, जो दुख में साथ आता वही अपना होता। हर कमल उड़ा है, तुम्हारी सारी व्यवस्था पूरी कर रहा है। अरे मनीष मार हो, चल मैं मनीष का साथ, मैं मनीष ने डाला। बस ये कहे कुछ भी हो, मैं मारे जो हरी बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है मैंने हर भी कहाँ डॉ हो जाए। अब मैं क्या नाच खाता हूँ, तो ये जनता ना माटी थोड़ी खाई जी, वो भी तो नाच ही खाए जी। चुनावी नगरी अपने चुनावी सफ़र पर है और इस सफ़र में आज हम पहुँचे हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, और इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। शाहपुरा विधानसभा सीट, इस सीट पर त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, जहाँ पर कांग्रेस ने अपने एक युवा चेहरे को उतारा है जिसका नाम है मनीष यादव, तो वहीं भाजपा ने एक युवा चेहरा जो कि बेरोजगारों का मसीहा माना जाता है उपेन यादव पर भरोसा जताया है। तो वहीं अगर निर्दलीय की बात करें तो यहाँ आलोक बेनीवाल जो कि पिछली बार भी विजयी रहे थे। तो इस बार चलते हैं जनता के बीच और जनता से ही जानते हैं प्रत्याशी और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। शाहपुरा विधानसभा सीट पर आज हम मौजूद हैं जनता के बीच और आइए जानते हैं जनता का रुझान क्या है। जी क्या नाम है? मलेश ने डाला नाथिन है। नाम क्या है आपका? नाम नाथी। नाथी जी किसको वोट करेंगे? मनीष। क्या कारण है मनीष जी को वोट देने का? अब मनीष मारो प्यार होचे और मना आवे छे मारी सुने छे और मनीष मारो छे, मैं मनीष का साथ, मैं मनीष ने डाला। तोबली। किसको वोट देंगे? मनीष को। मनीष जी को देंगे। सब क्या कारण है? मान तो भाई बहुत काम आयो, पहली भी आया था, अब भी आऊंगा। आपका नाम? जुम्मा। क्या किसको वोट करेंगे? मनीष ने। क्या कारण है मनीष जी को वोट देने का? सारी बात संभाल जाए। अच्छा, पहले वाले विधायक ने कहीं संभाला नहीं? ना संभाला तो पहले भी संभाले जाए, कोई विकास नहीं हुआ। मैं तो मनीष। और भी जनता हमारे साथ है। जी आपका क्या नाम है? हमारा गुलाब। गुलाब जी किसको वोट करेंगे? मनीष को। या क्या कारण है मनीष भाई को वोट करें? मनीष दुख में सुख में समाड हो जाए, सब में अड़े आते हैं। क्या कुछ विकास के मुद्दे क्या लेकर के उनको वोट देना चाह रही है? हरी बीमारी में समाड हो जाए मनीष। अच्छा, मैं तो बहुत सुना था साहब, और एक भी नहीं तो कौन सुने, कोई भी प्रोग्राम है जी समा हो जाए मनीष। और क्या मुद्दे क्या है जिन मुद्दों को लेकर के आप उनको वोट करना चाह रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे हैं? विकास करवाना चाहते हो? क्या मुद्दे हैं विकास, कौन कौन से विकास कराना चाहते? बाद में करा वाला, पहले जीता वाला मैं मनीष, पहले जिताएंगे। कुछ वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाला है जी। पाला राम। पाला राम जी किसको वोट करेंगे? मनीष को देंगे। क्या कारण है मनीष को वोट देने का? बस ये चाहे कुछ भी हो, मैं मारे जो हरी बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है मैंने हर भी कहाँ डॉ हो जाए। इस बार यहाँ विकास के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मनीष जी को वोट देना चाहते हैं? तो महान विकास कराएंगे, विकास कराया नहीं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गोर्धन। किसको वोट करेंगे? इन ध्यान मेथ ने। मनीष जी को? हाँ। क्या कारण है? कारण तो ये थे आगे मारे बहुत आग टपक दिया। कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ किया है अब तक? क्या रहा है? गणाए किया थे बापड़ो मारे लिए, तो क्या क्या काम किए? चाया काम किया थे, हरी बीमारी में भाग रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी, देखो हमारे जनता के बीच में 14 साल तक इन्होंने वनवास काटा है और मनीष जी ने बहुत मेहनत की है, ये नहीं है भाई मेहनत नहीं की है। हम पिछले साल अशोक उनको जिताए थे अपने आलोक बेनीवाल जी, आलोक बेनीवाल जी को, हमारे कार्य के अंदर हम गए, जब उन्होंने क्या जवाब दिया, अब मैं क्या नाच खाता हूँ, तो ये जनता ना माटी थोड़ी खाए जी, वो भी तो नाच ही खाए जी, जनता भी नाच ही खाए जी साहब। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे मनीष भाई बहुत अच्छा काम करने वाला है, हमारा बच्चा है, हम जातिवाद नहीं देख रहे, हर जाति के हमारे है न जो मनीष जी के साथ। देश का भविष्य यानी कि कुछ युवा चेहरे हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश। रजनीश जी किसको वोट कर रहे हैं? मनीष जी को। क्या कारण है मनीष जी को वोट करने? मनीष जी ने 14 साल जनता की सेवा की अच्छे से और सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। सुख दुख ठीक है, जनता की सेवा भी ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए क्या कुछ काम किए हैं, क्या आपके आगे लेकर क्या एजेंडा है? युवाओं के साथ हमेशा रहते हैं, वो मिलजुल के रहते हैं, साथ देते हैं हमेशा। आपका क्या नाम है? किसको वोट कर रहे हैं? मनीष यादव। मनीष यादव को वोट कर रहे हैं? वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। आपका क्या नाम? नरेश रजवानिया।
को वोट कर रहे हैं? यादव को। क्या कारण है मनीष यादव को वोट करने? दुख में सुख में हमेशा साथ देते हैं और हमेशा ही साथ रहते हैं, और जो वो हार जाते हैं फिर भी साथ देते हैं हमारा। हार जाते हैं फिर भी साथ देते हैं। आपका क्या नाम है? विश्राम गुज्जर। किसको वोट कर रहे हैं? मनीष भाई को। मनीष भाई को वोट कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका यह कारण है कि 14 वर्षों से हमारे साथ लगातार संघर्ष रहे हैं और कोई भी सुख हो या दुख हो हमारे साथ हरदम खड़े रहते हैं। सुख दुख की बात सबने करी, यहाँ पे बुजुर्गों ने भी करी और महिलाओं ने भी करी। मुझे ये जानना है, मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, तो युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया और युवाओं को उनसे क्या उम्मीदें हैं? उनको ये उम्मीद है, रही बात जबकि कोरोना काल आया था उस समय उन्होंने लोगों किट जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था उनको अन्न दिया, और रही बात लंबी जैसे बीमारी आई थी गौ माता के लिए, तो उन्होंने गौ माता की लंबी होने के कारण गौ रक्षा की, और हम भी गौ रक्षा के लिए हम जान देते। वोट की क्या बात है, ये तो वोट की बात, हमारी जान भी दे देगा जो गौ रक्षा करे उसके लिए, तो इसीलिए हम इसको चाहते हैं और हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है। और रही बात आलोक जी बेनीवाल जी की, उनकी बात करें तो उन्होंने जीतने के बाद 5 साल में एक बार भी आकर नहीं पूछा कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। सही बात ये है स्पष्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी किसको वोट दे रहे हैं, किसको चुनेंगे इस बार? मनीष जी को ज्यादा मैं तो वोट। मनीष जी को दोगे? हाँ मनीष जी को ज्यादा। क्या कारण है? मन कामला उड़ाई माँ की सुनी होगी चाहे वो भाई खून की जगह खून भी दू दो, कोई कारण हो जाए तो मैंने बोला जो आधी रात में भी मैं तैयार था, आधी रात में भी आ सब कुछ था। आपका क्या नाम है? दाफा देवी। दाफा जी किसको वोट दे रही हैं, क्या सरकार चुनेंगे इस बार? यादव को। मनीष जी को देंगे? हाँ। क्या कारण है मनीष जी को देने का? मनीष जी का कारण है ये मन से जो कमल उड़ाया है तुम्हारी सारी व्यवस्था पूरी कर रहा है, और आ गए आ रहे भाई पूरी व्यवस्था पूरी करूँगा थारी जो यो जिसमें बिन दे रहा है और मैं कहीं को नहीं। आपका क्या नाम है? आशा जी। आशा जी किसको चुन रही हैं इस बार? मनीष जी को। मनीष जी को चुन रही है। हाँ। कुछ काम हुआ है मनोरपुर में या किस तरह? पहले के विधायक ने कुछ नहीं किया? आप कर रहा ना पहले, पहले जो विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया? कया ही होगा, पहली तो गया को दिया सबके करे ना। आप लोगों का रुझान मनीष जी की तरफ है। हाँ। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम साजिद है। साजिद जी किसको चुन रहे हैं इस बार? अभी मनीष भाई को चुन रहे हैं। अब की बार मनीष जी को चुन रहे हैं, क्या कारण है मनीष जी को चुनने? जी बहुत सुख दुख में लोगों का साथ देते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, मतलब बताओ क्या, अब ऐसे कि एक परिवार की तरह है वो हमारे लिए, तो उन्हीं को चुनेंगे हम तो। देखो आप युवा लग रहे हैं, तो मेरा सवाल ये होगा कि युवाओं के लिए मनीष जी ने क्या कुछ कदम? युवाओं के लिए बहुत कुछ करा, युवाओं के साथ देते हैं, बहुत कोशिशें चल रही है। अभी देखो अभी आए नहीं है अभी तो, लेकिन जब आएंगे तो और भी बहुत कुछ करेंगे। उन्होंने बिना सरकार में आए उन्होंने बहुत कुछ किया, नहीं बने वो लोगों का बहुत। देखो सुख जो सुख में तो सब साथ आते, जो दुख में साथ आता वही अपना होता, तो हम तो इस बार मनीष को चुनेंगे बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कालू राम प्रजापति। कालू राम जी किसको चुन रहे हैं इस बार? मनीष जी। मनीष जी को चुनने का क्या कारण है? मनीष जी का कारण यही है कि 8 दिन भी वो साथ देता है, अभी तक तो चुनाव तो वो अभी लड़ रहे हैं मगर बिना चुने लड़े भी बहुत साथ दिया गरीबों का। तो क्या मुद्दे हैं मनोरपुर के, क्या कुछ है जो जिनको लेकर के आप उनसे उम्मीद करते हैं कि हाँ ये हमारे काम पूरे होंगे? वो सब काम पूरे होंगे हमारे। क्या है, क्या किस तरीके के काम? गैस सिलेंडर है, जैसे गैस सिलेंडर है, जैसे गरीबों की और कुछ है, जैसे रोजगार है, हर चीज़ मिलेगी उनसे। आपका क्या नाम है? कन्नाराम। कन्नाराम जी किसको चुन रहे हैं? मनीष यादव। क्या कारण है? मनीष यादव को ऐसे चुन रहे, वो हर गरीब लोगों की सहायता करता है, कोरोना में भी उसमें साथ दिया है। युवाओं के लिए किया है कुछ उन्होंने? अब युवा लग रहे हैं तो कुछ युवाओं के लिए क्या? युवा लग रहे हो आप तो युवाओं के लिए कुछ किया है? हाँ किया है ना, करेगा भी, आएगा तो बहुत करेगा वो। आपका क्या नाम? जगदीश। किसको चुन रहे हैं जगदीश जी? मनीष जी को चुनेंगे। मनीष जी को चुनेंगे, क्या कारण है? वो अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है, पहले वाले जो हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, अभी जो विधायक वो भी किया जी, काम तो कर जी, लेकिन अब वो सही कर लो, फिर बदल कर दे लो, अच्छे से अच्छे हो जाए, फिर बदल कर लेना, फिर बदल करना चाहते हैं। हाँ। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। आपका क्या नाम है? पूजा प्रजापत। हाँ जी पूजा प्रजापत। पूजा जी किसको चुन रही हैं? मनीष जी को। क्या कारण है? वो गरीबों की मदद करते हैं, अभी उन्होंने ब्लड वाला कैंप भी लगवाया था जिससे भी बहुत लोगों की मदद हुई। महिलाओं को लेकर के कुछ एक कुछ कदम उठाएं या क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद है तभी तो उनको चुनेंगे। पहले वाले जो विधायक रहे हैं अब तक उनका क्या कुछ रहा? वो वैसे ठीक ठाक था, पर क्या कारण है कि आप मनीष जी को चुन रहे हैं? ताकि और ज्यादा विकास हो, इसलिए चुन रहे हैं मनीष जी को, अगर उन्हें चुनेंगे तो ज्यादा विकास होगा, इसी आस में चुन रहे हैं। तो आपने देखा ये था जनता का रुझान,
आज हम मौजूद थे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में और ये चुनावी सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा किसी और गांव, किसी और शहर और किसी और धानी में। तब तक के लिए बने रहें चुनावी नगरी के साथ। नमस्कार।